जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 11 में तिमाही परीक्षा पेपर गणित का फाइनली असली पेपर लेकर आ चुका हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर 80 अंक का आपका पेपर होने वाला है, 3 घंटा समय होने वाला है। तिमाही परीक्षा पेपर 2023-24 गणित का पेपर है कक्षा 11 में। यह 100% असली पेपर है, आपके एग्जाम में यही पेपर आने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अपना निर्देश पढ़ लेना है, इसके बाद आप प्रश्न करवाएँ। यहाँ पर अपना निर्देश पढ़ लेना है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। आप प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उसके सामने दिया गया है। आपको प्रश्न 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ दिया गया है और 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, सही विकल्प चुनकर लिखना है। एक एक अंक के 6 क्वेश्चन होने वाले हैं, 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 से। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, किसी रिक्त समुच्चय, यहाँ पर देख सकते हो पहला क्वेश्चन 0 के लिए बराबर है, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, फलन यक्स बराबर यक्स कहलाता है, तो इसका आपको बताना होगा, तो ऑप्शन नंबर और राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर देख सकते हो, 3 में आपको, यदि आपको ये समीकरण है इसको आप देख लेना, इसका मान आपको बताना है, तो इसका मान आपको लिखना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 3रा का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, आप यहाँ पर लगा लेना जो कि 5 है। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर देख सकते हो, 4था का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, मैं यहाँ पर टिक लगाते जाता हूँ। और 5 नंबर देख सकते हो, 5वां का आपको बी नंबर लगाना है। और यहाँ पे देख सकते हो 6वां नंबर, 6वां का बी नंबर लगाना है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव को मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको क्या क्या बनना है, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आपको लास्ट तक बने रहना है, और नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला में आपको भरना होगा, क्या भरना है, 2 भरना है यहाँ पे। इसका 2 नंबर देख सकते हो, यदि ए यक्स बी बराबर बी ए यक्स ए हो तो समुच्चय ए और बी के समुच्चय होगा, तो यहाँ पर क्या होगा। इसका उत्तर और सभी का उत्तर वीडियो के अंत में या तो टेलीग्राम में मैं दूंगा, तो लास्ट तक बन रहे। और यहाँ पर देख सकते हो आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, तो इसमें आपको हो जाएगा समान। तो मैं बता दूँ कि 2 नंबर में आपको ए बी समुच्चय यहाँ पर लिखा है, इसका समान समुच्चय होंगे, तो यहाँ पर समान लिख लेना है। इसके बाद 3 नंबर देख सकते हो, 3 का राइट आंसर आपको साइन लिख लेना है, यहाँ पर साइन। इसके बाद यहाँ पर समूह संध्या 5-3 का समूह यहाँ पर संयुक्त मिलन होगा, तो इसका आपको बताना होगा, तो सभी को आपको लिखते जाना है। इसका उत्तर मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो सामने, 5 नंबर देख सकते हो, यक्ष के उन मानों को जो दिए गए असमिका को एक सत्य कथन बनाते हैं, उसे असमिका का खाली स्थान कहते हैं, तो इसका भी उत्तर वीडियो के अंत में मिल जाएगा। इसके बाद 6 नंबर देख सकते हो, इसको आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको 70 सत्य छपना है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर करना क्या होगा, आपको एक एक अंक 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार करना है। 1 नंबर देख सकते हो, ए या बी में हो में कोई अपरिमेय समुच्चय है, तो ए इंटू बी को अपरिमेय समुच्चय होता है, तो आपको लिखना होगा, तो ए आपको सत्य हो जाएगा। 2 नंबर देखना है, 2 का भी मैं बता दूँ सत्य हो जाएगा, 3 भी सत्य, ये तीनों सत्य हैं। इसके बाद ये 2 असत्य हैं। इसके बाद लास्ट वाला 5वां नंबर सत्य है। इस तरीके से इसको आपको लिख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने चलता हूँ, ये देख सकते हो आपको यहाँ पर सही जोड़ी कैसे मिलाना है। देख सकते हो पहला का आपका एफ नंबर हो जाएगा, दूसरा का आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो दूसरा का हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा, इन सभी को आपको मिलाने चलना है और अच्छे से देख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये देख सकते हो 5 नंबर, 1 वाक्य शब्द में उत्तर लिखना है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देख सकते हो, यदि समुच्चय ए में 4 अव्यय हो तो समुच्चय ए के कितने समूह जो होंगे, तो जो कि आपको इसका हो जाएगा 16, इसमें 16 होंगे तो 16 लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये फलन वाला, इसको भी तैयार कर लेना है, इसमें आपको 21 हो जाएगा। इसके बाद 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, आपको ये सेकंड बताना है, 60 सेकंड में होता है। इसके बाद आप देख सकते हो 4था नंबर, 4था और 5वां, इनका उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा, तो लास्ट तक बने रहें। इस तरीके से आप 6 नंबर देख सकते हो, 6 भी आपको तैयार करके रखना है। और यहाँ पर 7 नंबर देख सकते हो और 8 नंबर, इन सभी को आपको तैयार करके रखना है, इनका उत्तर मैं वीडियो के अंत में या तो टेलीग्राम में दूंगा, तो लास्ट तक बने रहें, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। ये देख सकते हो इसको आपको तैयार कर लेना है, 14, 15, 16, 17, 18, 19। और ये देख सकते हो 20 नंबर और 21 नंबर, थोड़ा स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद विद्यार्थियों, मैं इसका उत्तर टेलीग्राम में दूंगा, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन हो जाइए। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।